हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिजेश मेरा ब्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइमिंग बता देती हूँ कि मैं कौन से टाइमिंग में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं 8:30 दिन के, नहीं रात के। एक्चुअली जब से हम ट्रैवलिंग करके आए हैं ना, तब से सारा सामान पूरा ऐसे ही फैला हुआ है। कोई भी सामान अभी तक के अपनी सही जगह पे नहीं रखा हुआ है, इसलिए मैं अभी डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि पूरा सामान फैला हुआ है। मैं धीरे धीरे करके सारा सामान उसकी जगह पे रखने की कोशिश कर रही हूँ, बट सब काम एक साथ नहीं हो पाता है। कोई ना, धीरे धीरे करके मैं अपना काम खत्म कर ही लूंगी। गाइस, इतने दिनों के बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बालकनी की दिख रही है कुछ इस तरीके से। आई थिंक पेड़ भी मेरे टॉप से मैच कर रहा है। तो बस चलते हैं अंदर। मैं शाम को ब्लॉग इसलिए भी नहीं बना सकती क्योंकि ना इतनी ज्यादा आवाजें आती है बाहर निकलने पे। बच्चों की आवाज आती है, गाड़ियों की आवाज आती है, शाम के समय पूरे रात तक के बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। और प्लीज मेरे बालों को आज इग्नोर करना क्योंकि बहुत सारी ऑयलिंग करी हुई है अपने बालों पे, बहुत सारी, क्योंकि मैं आज हेयर वॉश करने वाली थी बट आज कहीं जाना नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कल अपने हेयर वॉश कर लूँगी। और इसी बहाने मेरे हेयर पे थोड़े टाइम तक के ऑयलिंग रहेगी, इसलिए आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया। मैंने सोचा था कि आज मैं कोई वीडियो भी नहीं बनाऊंगी, इसलिए भी मैंने हेयर वॉश नहीं किया, बट पता नहीं क्या हुआ कि सडनली मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हो कि यहाँ पर रखे हुए सिंघाड़े, तो जितना मुझे खाना था उतना तो मैंने खा लिया, बट ये सारे सिंघाड़े आई थिंक वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि अभी थोड़े से गलने लग गए हैं। तो गाइज, मैं ना अभी शॉर्ट्स बना रही थी, तो आप मेरे दोनों चैनल पे जाके शॉर्ट्स देख सकते हैं। एक्चुअली मैं कोई कोई मेकअप हैक्स ट्राई करते रहती हूँ। मैंने आज ट्राई किया था मेहंदी ऑन लिप्स, जिसके बाद मेरे लिप्स पे इतनी ज्यादा बर्निंग हो रही थी कि मैं उसे अपने लिप्स पे 5 मिनट भी नहीं रख पा रही थी, बट मैंने 5 मिनट रखा। और आप देख सकते हो कि मैंने इंदी को मैंने बहुत ही अच्छे से निकाला है क्योंकि मेरे लिप्स पे कलर तो आ गया था, बट इतनी ज़्यादा बर्निंग हो रही थी और मुंह का टेस्ट, आई थिंक वो मेरे मुंह के अंदर भी चला गया था, तो मुंह का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। तो गाइस, मेहंदी वाला हैक्स तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार था। मैं नेक्स्ट टाइम कभी ऐसे हैक्स ट्राई नहीं करूँगी जिससे स्किन या लिप्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़े, तो वो वाला शॉर्ट्स भी आप लोग जरूर जाके देखना। नीचे वाले जो फ्लोर पे रहते हैं उनके यहाँ की बेटी को तो मैं आपको पहले ही मिलवा चुकी थी, तो आप देख सकते हो कि वो कितनी ज़्यादा मस्ती करती है, तो उसको देखने के लिए मैं भी नीचे चली गई थी और फिर हमने की थोड़ी सी बातें। और गाइज, आप देख सकते हो कि छोटी वाली बच्ची कितनी ज़्यादा क्यूट है और बहुत ही ज़्यादा शांत रहती है, बिल्कुल भी रोती नहीं है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में। तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज रिजेश मेहरा ब्लॉग्स। बाय गाइज।